आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शार्क मीडिया, हर खबर पे पैनी नजर। आइए, मैं दीपक रंजन जी के आवास पे आया हुआ था आज कुछ इंटरव्यू लेने के लिए। मैं उनसे बात करता हूँ किस तरीके से अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। भैया, आप 2022 में आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रखी है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव संघर्षों की पार्टी रही है। आज जो जालिम और निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टियों ने ही आंदोलन प्रदर्शन करके इन जालिम सरकारों के मुंह बंद करने का काम किया। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं की अस्मत लूट रही हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो रहा हो, उसमें आवाज उठाने का काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। और आगे भी जुल्म और जाति के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदैव जो है आवाज उठाती रही है, सदैव संघर्ष करती रही है, और आगे भी जुल्म और जाति के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदैव जो है वो आंदोलन प्रदर्शन करती रहेगी। भैया, जैसे ये कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी इलेक्शन आते ही और जो फ्री राशन दे रही है और अपना फोटो लगवा करके हर राशनों पे, हर पैकेटों पे जो घर घर पहुंचा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही, जैसा कि अभी आपने कहा फ्री राशन, तो फ्री शब्द तो उस पर जोड़ना नहीं चाहिए। लोगों को फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए, लोगों को स्वावलंबी होना चाहिए, लोगों को अपनी खुद से मेहनत करके लोगों को कमाना चाहिए, लोगों को खाना चाहिए। लेकिन ये सरकार लोगों को जिस तरीके से रोजगार से वंचित कर रही है, इसीलिए जो चुनाव आता है तो लोगों को फ्री में, चाहे राशन हो, जितने का अंदर राशन है उससे ज्यादा तो बैग का छपाई का खर्चा उस पर आ रहा है। नहीं नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सरकारी खजाने से जा रहा है, जो ये अपनी तस्वीरें लगा घर घर पहुंचा रहे हैं, जो इसका जहां तक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अपना अपना प्रचार भी हो रहा धीरे धीरे और हर पार्टियों को लिए प्रचार के लिए थोड़ा बहुत बैन रहेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये सरकारी कोष से जो है भाई हमारे आपके टैक्स से पैसे से ही लोगों को जो है ये लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उस पर अपना प्रचार, अपना प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो लगा करके लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में हम समाजवादियों ने भी लोगों की मदद की, हम लोग भी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हम लोग उसका महिमा मंडप, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य उसकी मदद होना चाहिए, ना कि अपना प्रचार प्रसार, या चुनाव जब आ रहा है तो उसको चुनाव में उसको यूज करने का काम होना चाहिए। जैसे दीपक जी ये बताया जा रहा है, जैसे बीजेपी कह रही है कि मैं अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, तो विकास के दावे बहुत कुछ गिनती करा रही है, तो उस विकास पे आपको क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में अपने किए हुए 5 विकास कामों को सिर्फ गिना दें, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, उन्होंने विकास के काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। जी जी जी, विकास के वादे, हाईवे वगैरह और मेट्रो को लेकर के काफी वादे उन्होंने अपने वादे कर रहे हैं, तो क्या सारे कार्य सब उन्हीं के हैं कि कुछ आपके भी कुछ? देखिए, आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं कि मेट्रो किसने बनाई, इकाना स्टेडियम किसने बनाया। आज जितने भी उत्तर प्रदेश में विकास के काम, डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, चाहे रिवर फ्रंट भी हो, मैं अगर उन विकास के कामों को आपको बताने लगूं तो मैं समझता हूं कई ऐसी शामिल गुजर जाएंगी और समाजवादी पार्टी के किए विकास कामों को मैं आपके बीच में नहीं लग पाऊंगा। ये लोग सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, उसकी भी DPR, उसकी भी रिपोर्ट जो है, या उसकी भी शुरुआत समाजवादी सरकार ने हुई थी। जैसे ये देखा जा रहा, अगर 2022 में अगर सत्ता में आप काबिज होते हैं तो आप जनता के लिए और नौजवानों के लिए महंगाई पे क्या आपका मुख्य उद्देश्य होगा? देखिए, अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है, और समाजवादी पार्टी की तरफ जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार जनता के दम पर, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि समाजवादी सरकार जो है करीब करीब 400 सीट चलाने का काम करेगी। जी जी, आप देख रहे थे, दीपक रंजन जी के साथ बात हो रही थी, आप देख रहे हैं शार्क मीडिया के साथ, राजा सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ।